नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, जो राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर है। पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर और इस सीमा पर भी पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है। जो आंदोलन भीषण ठंड में शुरू हुआ था नवंबर में, वो धीरे धीरे गर्मी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और आंदोलन में किस तरह से बदलाव आए और आंदोलनकारी अपने आंदोलन को मौसम के बदलाव के साथ साथ वो अपने आंदोलन को आगे की रणनीति कैसे बदल रहे हैं, उनकी तैयारियां कैसी हैं इससे निपटने के लिए, उनकी चुनौतियों से निपटने के लिए और सरकार से लड़ने की उनकी रणनीति किस तरह से बदल रही है, इसको लेके आइए चलते हैं, इन किसानों से बात करते हैं। देखिए, मेरा नाम अनिल जित्रवाड़ है, मैं राजस्थान जाट महासभा से जयपुर जिला अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर किसान आंदोलन में हम 69 दिन से टिके हुए हैं। भयंकर सर्दी और भयंकर बारिश हुई थी, तब भी हम यहीं थे, आंदोलन को सफल बना रहे हैं। और अब गर्मी पड़ रही है तो गर्मियों की भी हमने व्यवस्था कर दी है, ऊपर झोंपड़ी बनवा ली है, कूलर आ गए हैं अच्छे तरीके से, यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था हो रही है। और जब तक ये 3 कृषि कानून बिल वापस सरकार नहीं लेगी, मोदी सरकार, तब तक हम यहीं रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे और आंदोलन को सफल बनाएंगे। कुछ अफवाहें आई थी RSS और BJP के लोगों की तरफ से कि किसान कमजोर हो चुके हैं, आंदोलन टूटने वाला है। उसके बाद राकेश टिकैत जी ने जिस तरह से वो एक उनका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद लगातार महापंचायतों का दौर जारी हुआ है। राजस्थान ही नहीं, अलग अलग स्टेटों में जगह जगह पे महापंचायतें शुरू हो चुकी हैं। जो मुख्य किसान मोर्चा के जो जथेबंदियां हैं, उनके जो लीडर हैं, सभी धरनों में पहुंच रहे हैं, प्रदर्शनों में पहुंच रहे हैं, महापंचायतों में पहुंच रहे हैं, लगातार किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। जो लोग यहाँ, जो दिल्ली के चारों ओर बॉर्डरों पर किसान खड़े थे, बैठे थे, वहाँ पर मोर्चों में जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, वो महिलाएँ थे, युवा थे या वृद्ध लोग थे, यहाँ किसान मोर्चे तक नहीं पहुँच पाए थे, वो महापंचायतों में जुड़ रहे हैं, जिससे अब जो मोर्चे हैं उनकी संख्या डबल होती जा रही है। मेरा नाम ओम प्रकाश है, कहाँ से आए? जिला चूरू तहसील राजगढ़ से। अच्छा, राजस्थान। यह आंदोलन इतने समय से चल रहा, तो गर्मी आ गई तो कैसे, अब गर्मी इतनी धूप में, खुली धूप में कैसे काम? 3 महीने 26 तारीख को हो जाएंगे। हाँ, हम यहीं बैठे हैं, बारिश भी हुई थी, यहाँ इतना पानी खड़ा हुआ था, बारिश में भी हम यहाँ रहे हैं। धूप की तो हमें परवाह नहीं, कटाई करते हैं सारे दिन जोन मतलब फसल की, तो यहाँ बैठने में क्या तकलीफ है? हाँ, ये तो किसान का और मजदूर का सवाल है, धूप का सवाल नहीं। अगर हमारी अगले आने वाली जनरेशन खत्म हो जाएगी तो फिर हम जी कर क्या करेंगे? हाँ, आप जैसे बच्चे हैं उनके लिए लगे हुए हैं हम तो। हाँ, अगर उनका भविष्य खराब हो जाएगा तो फिर हमारा जीना बेकार है। लेकिन अब गर्मी से बचने की कुछ तो तैयारी कर रहे होंगे ना आप लोग भी आंदोलन को? हाँ, एक एक दो दो आदमी आए हैं, बाकी बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं अपना। और जो युवा की जरूरत बनेगी, युवा बेटे भी हैं आप जैसे, वो आ जाएंगे। और छत बनाए कैसे तैयारी कर रहे हैं? हाँ, ये खेतों, ये जंगल में खड़े हैं, ये काट कर ले आते हैं, हमें अपने हाथ से बांधते हैं, ये छप्पर डाल दिया, ये ठंडा रहेगा, इसमें तिरपाल गर्म हो जाते हैं, ये ठंडा रहेगा, ऊपर पानी मार देंगे इसके, 2 बाल्टी भर जो ठंडी जो मतलब हवा आएगी। लोग जा रहे हैं तो उनको ये पता नहीं है कि अभी फसल काटने का टाइम हो गया किसान का। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी किसान फसल भी काटेगा और धीरे धीरे उनकी जड़ें भी काटेगा। अभी अगर जा रहा है तो वो डबल ताकत से वापस भी आएगा। कितना दिन? 2 दिन 4 दिन 5 दिन। वैसे तो हमारे लोगों ने यहाँ से ही व्यवस्था करवा रखी है, जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनकी जो फसलें वहाँ खराब नहीं हो, तो उनके लिए यहाँ से ही व्यवस्था करवा रहे हैं हम लोग कि भाई एक दूसरे की मदद करके आपस में। ये आंदोलन कितना लंबा चलाएंगे आप लोग? हम कहाँ आंदोलन चला रहे हैं? आंदोलन तो सरकार इतनी हठधर्मिता पे उतरी हुई है, जब उन्हें ये पता है कि ये काले कानून जो हम इन्हें काले बता रहे हैं, जो गलत है, उन्हें वापस क्यों नहीं ले रही सरकार? तो इसमें काला क्या, कोई बता ही नहीं रहा तो सफेद क्या, वो बताए ना। नहीं, आप जब वो कह रहे हैं इनमें काला कुछ नहीं है तो सफेद बता दो, कहाँ दिक्कत है? वो क्यों नहीं आ रहे हमारे बीच? क्यों वो हमेशा चुनाव का बहाना देके और कुछ बहाना देके टाल रहे हैं बात को? जब 11 मीटिंग हो गई थी, वो संशोधन क्यों कर रहे थे फिर? 11 मीटिंग में कितने कानून बताए थे उन्होंने? 9 कानून कुछ इस तरह से वो बोले संशोधन कर देंगे। क्यों कर दोगे? जब वो सही है फिर संशोधन किस लिए कर रहे हो आप? भाई हमसे मिलो, हमें बताओ, हम आपको बताएंगे क्या है काले। एपी एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन से, आंध्र प्रदेश से, ये बोलेंगे और अपने बोलने का। मेरे एक पोता है, एक पोती है और मुझे पेंशन मिलती है,
वो ये कहते हैं कि बाबा आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, आपकी पेंशन के सारे जी रहे हैं। हमने कहा मुझे मेरे घर के चार सदस्यों की चिंता नहीं है, मुझे मेरे देश के 40 लाख किसानों की चिंता है, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। अब सरकार जब बातचीत नहीं कर रही उसको अब कैसे देखते हैं? लगातार सरकार की तरफ से एक बात है, बिल तो किसान हितैषी है, कुछ लोग गुमराह करके बैठाए हुए। देखो ऐसा है, चाहे कितनी ही देर कर दे सरकार, चाहे वो ये सोचे कि ये घबरा के चले जाएंगे, उठ के चले जाएंगे, घर में रह जाएंगे, वो उनकी अपनी सोच है, वो सोचो, लेकिन हमने जो संकल्प किया है वो हम अपने संकल्प पे हैं, कितना भी समय लगे इसमें। हाँ 2024 में हम उनको बता देंगे। अब तो हम कहते हैं कि कानून वापस करो और फिर हम उनको कहेंगे गद्दी भी खाली करो, उनकी गद्दी भी हम खाली करवा देंगे। Thank you.